हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मेरा नाम है आरवी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ऑनर 7A और रियलमी C1। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इन दोनों मोबाइल्स का कंपैरिजन और जानेंगे इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं 7-8 हज़ार रुपये के आसपास का मोबाइल, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको बताऊँगा इन मोबाइल्स के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं और आपको इनमें से कौन सा परचेस करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनर 7A के बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऑनर 7A आपको मिलता है मार्केट के अंदर 8.5 हज़ार रुपये की वैल्यू के आसपास। आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। इसके अंदर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है और 5.7 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी आप देख सकते हैं बॉक्स का लुक किस तरीके का है। चलिए अब देख लेते हैं एक लुक रियलमी C1 के बॉक्स पर। तो C1 का बॉक्स व्हाइट एंड रेड कलर का है, नीचे रियलमी लिखा हुआ है और चारों तरफ इसके अंदर आपको रियलमी C1 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ खास स्पेसिफिकेशंस नहीं दी गई। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो आपको मिलेगा 8,990 रुपये की MRP है, लेकिन मार्केट में आपको ये फ्लिपकार्ट 7,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और ऑफलाइन मार्केट में डिपेंड करता है, अगर आपकी मार्केट में मिल जाए तो ये 7,500-8,000 रुपये के आसपास ही आपको मिलता है। चलिए बिना गवाए अनबॉक्स कर लेते हैं ऑनर 7A को और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिल जाता है मोबाइल, जो कि है ब्लू कलर का वेरिएंट है मेरे पास। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है ब्लू कलर का वेरिएंट इस मोबाइल के अंदर। अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही कलर परचेस करिएगा। इसका डिटेल लुक अभी देखेंगे, इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, अंदर की तरफ देखने को मिल जाते हैं आपको यूज़र मैनुअल और एक स्क्रीन गार्ड इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बेसिक कवर इसके साथ नहीं आता है। चार्जर आप देख सकते हैं वाइट कलर का आपको चार्जर मिलता है, जिसपे हुआवे की ब्रांडिंग हुई हुई है और काफ़ी छोटा सा चार्जर है ये, फास्ट चार्जर तो नहीं है। बाकी आप इसका लुक देख सकते हैं और इसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस हैं आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दी गई हैं। तो यही है छोटा सा वाइट चार्जर। इसके अलावा आपको मिल जाती है एक डेटा केबल, जिसका साइज़ आप देखें, लेंथ देखें तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। बाकी इसके ऊपर भी ब्रांडिंग हुई हुई है हुआवे की। तो यही है बॉक्स के कंटेंट्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। रियलमी C1 के अंदर आपको बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिल जाता है। इस मिनी बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है सबसे पहले एक लोगो बना हुआ है सिम इजेक्टर टूल का, तो नीचे की तरफ लगा हुआ है सिम इजेक्टर टूल। अंदर आपको मिल जाता है इसके अंदर बेसिक सा कवर और आपको देखने को मिल जाते हैं यूज़र मैनुअल। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा कवर है, तो काफ़ी अच्छी बात है, मोबाइल के साथ कवर मिलता है लेकिन इसके साथ आपको स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता है। इसी के नीचे आपको रखा हुआ मिल जाता है रियलमी C1। मेरे पास जो है ये ब्लैक कलर का वेरिएंट है, मिरर ब्लैक। आप देख सकते हैं इसका लुक किस तरीके का है, इसकी भी डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स के अदर कंटेंट्स के बारे में और देखते हैं उसके अंदर आपको क्या मिलता है। तो इसके अंदर भी आपको एक काफ़ी लेंथी डेटा केबल मिल जाती है, जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं USB 2.0 वाली केबल आपको दोनों ही मोबाइल में मिलती है, टाइप सी केबल दोनों मोबाइल्स में नहीं है। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक चार्जर, काफ़ी बड़ा चार्जर है लेकिन ये फास्ट चार्जर नहीं है। बैटरी इसकी 4230 mAh की है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं इसके ऊपर ओप्पो की ब्रांडिंग हुई हुई है। तो यही थे रियलमी C1 के बॉक्स के कंटेंट्स। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो आपको दोनों ही मोबाइल्स के अंदर बैक साइड पर ऊपर की तरफ आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है और उसी के बराबर में आपको देखने को मिल जाती है फ्लैश। नीचे की तरफ आप देखेंगे दोनों ही मोबाइल्स में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है ऑनर की और रियलमी की। बैक साइड से आप देख सकते हैं ऑनर का ब्लू कलर का वेरिएंट कैसा लग रहा है और रियलमी C1 का मिरर ब्लैक कलर कैसा देखने को लग रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको स्पीकर दिए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट दिया गया है C1 के अंदर नीचे की तरफ और ऑनर 7A के अंदर ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। 7A के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रियलमी C1 के अंदर नहीं मिलता। अब बैक साइड से आप कंप्लीट लुक देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल्स की कैसी लग रही हैं। ये चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसका डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आया। चलिए इन दोनों ही मोबाइल्स को बूट कर लेते हैं फर्स्ट टाइम और देखते हैं किस में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे ही मैंने पावर की प्रेस की दोनों मोबाइल की, तो रिस्पॉन्स दोनों मोबाइल में एक साथ देखने को मिल जाता है और आप देख सकते हैं फर्स्ट बूट के अंदर दोनों मोबाइल्स का लुक किस तरीके का है, रियलमी की ब्रांडिंग आपको किस तरीके से देखने मिल जाती है और ऑनर आपको किस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये है इन दोनों मोबाइल्स का फर्स्ट बूट और फर्स्ट लुक।
बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, दोनों ही मोबाइल के अंदर जो बैटरी है, ऑनर 7A के अंदर आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी, और आपको C1 के अंदर मिल जाती है 4230 mAh की बैटरी। तो बैटरी इसके अंदर ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है आपको C1 के अंदर, लेकिन फास्ट चार्जिंग ना होने की वजह से उसके अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है चार्जिंग टाइम को लेके। बाकी आप डिस्प्ले देख सकते हैं, C1 के अंदर आपको 7000 रुपये में नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है, और आपको ऑनर 7A के अंदर 8-8500 रुपये की वैल्यू में बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.2 इंचेस की डिस्प्ले है C1 की, और 5.7 इंचेस की डिस्प्ले है ऑनर 7A की। रैम के बारे में बात करें तो 2GB रैम आपको मिलती है C1 के अंदर, और 3GB रैम मिलती है आपको 7A के अंदर। 32GB की इंटरनल स्टोरेज है 7A के अंदर, और 16GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है C1 के अंदर। C1 काफ़ी जल्दी बूट हो जाता है, हमने कंपैरिजन काफ़ी मोबाइल्स के साथ करा है, और इस मोबाइल के अंदर भी, इस कंपैरिजन में भी ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा जल्दी बूट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इनका मेन यूज़र इंटरफेस किस तरीके का लग रहा है बूट होने के बाद। C1 की नॉच के अंदर आपको कैमरा, स्पीकर और आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब ये ऑनर 7A में एक लाइट ब्लिंक हो रही है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके की है, वो कोई LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। इसके अंदर ये सेंसर है जो रिकॉर्डिंग के अंदर कई बार ब्लिंक होने लग जाता है। बाकी आप डिस्प्ले देख सकते हैं, बेजललेस डिस्प्ले आपको दोनों ही मोबाइल्स की किस तरीके की लग रही हैं। बेजल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे मिल जाते हैं C1 के अंदर, और काफ़ी H2H डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। बैक साइड से आप देखेंगे दोनों ही मोबाइल्स के अंदर डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, और 13+2 MP का डुअल कैमरा दोनों ही मोबाइल्स में आपको देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर आपको सिम की ट्रे मिल जाती है, और आपको देखने को मिल जाती है वॉल्यूम की C1 के अंदर। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल्स का डिज़ाइन। राइट साइड से आप देखेंगे तो आपको पावर की मिलती है C1 में, और वॉल्यूम प्लस पावर की आपको देखने को मिल जाती है 7A के अंदर। अब आप देख सकते हैं मेन स्क्रीन में इन दोनों ही मोबाइल्स का लुक किस तरीके का लग रहा है। बाकी मैं सेटिंग्स में जाके आपको दोनों ही मोबाइल्स का एंड्रॉयड वर्जन भी दिखा देता हूँ, और इनकी स्पेसिफिकेशंस डिटेल में दिखा देता हूँ आपको क्या मिलती है। तो एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाता है C1 के अंदर 8.1, और 7A के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉयड का 8.0 वर्जन। स्नैपड्रैगन 450 आपको मिल जाता है 1.8 GHz में ऑक्टा कोर प्रोसेसर C1 के अंदर, और 1.5 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 430 आपको मिलता है 7A के अंदर। तो बेटर प्रोसेसर आपको C1 के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी 16GB में आपको मिलती है यूजेबल 7GB के आसपास C1 में, और 32GB में यूजेबल आपको मिलती है 24GB के आसपास 7A के अंदर। एंड्रॉयड का वर्जन आप देख सकते हैं लेटेस्ट है C1 के अंदर। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 MP का फ्रंट कैमरा है C1 के अंदर, और 8 MP का फ्रंट कैमरा विद फ्लैश आपको मिल जाता है ऑनर 7A के अंदर। तो ये थी इन दोनों मोबाइल्स की स्पेसिफिकेशंस और डिटेल। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, डिज़ाइन वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको कौन सा मोबाइल ज़्यादा बेटर लगा, आपको किस ब्रांड के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, Xiaomi पे या फिर Honor पे। ये चीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आप इन दोनों मोबाइल्स में से किसी का भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं किसी और मोबाइल के साथ इसी प्राइस रेंज के अंदर, तो वो चीज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो को जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आने की। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताइएगा, भूलिएगा मत कि कौन सा मोबाइल आपको ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई अनबॉक्सिंग, स्पीड टेस्ट या फिर कंपैरिजन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।